हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और मेरे मित्र पुष्कर, आज हम बात करने वाले हैं कल जो मिनी बजट पेश किया गया उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा और उसकी क्या हम मायने निकाले। आज हम उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और कुछ पॉइंटों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी जो महिला फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने चीज़ों को जिस हिसाब से बताया और कहा कि अगले वीक हम एक इससे भी बड़े प्रेस रिलीज के साथ आने वाले हैं, उसका मायने क्या है और जो हमारी इकोनॉमी में अभी जो स्लोडाउन देखने को आ रहा है उसको कैसे निपटने की कल कोशिश की गई और क्या उसका एक प्रयास जो था उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, हम उस पर एक बात करने वाले हैं। तो आज हमने पूरे सेगमेंट को चार तरह से डिवाइड करने की कोशिश की है। एक तो कंपनी का सेगमेंट है जिस पर गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है NBFC, उस पर तो इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि बताया नहीं जा सकता। तीसरा हमारा स्टॉक मार्केट, हमारे मित्र स्टॉक मार्केट पर फोकस डालेंगे, बताएंगे कि क्या है। और चौथा GST, हम उसके साथ बैंक को भी मर्ज कर लेंगे। तो हम चार सेगमेंट पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पुष्कर, पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है, एक मिनी बजट था और क्या था ये? फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, मतलब मुझे लगता है बहुत बड़ा एक रिफॉर्म लेके आ रही है गवर्नमेंट और आने की कोशिश ज़रूर कर रही है, क्योंकि आजकल हर तरफ एक मंदी का माहौल है। हर आदमी मंदी की बात कर रहा है, चाहे वो छोटा व्यवसायी हो चाहे वो बड़ा व्यवसायी हो, सबके दिमाग में कहीं ना कहीं मंदी है। और ऐसा नहीं कि हमारी सरकार खामोश बैठी हुई थी, सरकार ने भी पिछले कई दिनों से ये डिसीजन अब पेंडिंग था, लोगों के दिमाग में था कुछ आने वाला है। बट कल जिस हिसाब से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 5 बजे करके हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कई सारे स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशंस लेके आई हैं, बेसिकली जो हमारा बजट आया था नई गवर्नमेंट के बनने के बाद, तो जो वेल्थ वाला जो एक मामला था, जो मामला था वेल्थ वाला और जो स्टॉक इन्वेस्टर्स को और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जो तकलीफें थी, कल उसको कई हद तक दूर करने की कोशिश की गई है। कई स्ट्रॉन्ग सर और बोल्ड स्टेप लिए गए हैं जिसका लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इंडियन मार्केट पे असर दिखेगा। देखिए, पॉजिटिव तो है ही, लेकिन अब बात करते हैं कि क्या क्या हुआ, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, कंपनी वाले अगर बात करें तो कंपनी में एक मेजर जो इशू आया था CSR को लेके, उसको इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस में डाल दिया था, जो कि मुझे नहीं लगता है कि एक सही डिसीजन था। वाइज डिसीजन तो नहीं कहा जा सकता। कंपनी उस पर 50 तरह की ऑब्लिगेशंस है, तो उसका भी मार्केट पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट था। आपको क्या लगता है? श्योर सर, क्योंकि अगर बिजनेसमैन को अगर हमने क्रिमिनल की कैटेगरी में डाल दिया तो कल हो के वो अपने बिजनेस पे कैसे फोकस कर पाएगा, कल हो गए अपने ग्रुप बिजनेस की ग्रोथ को कैसे फोकस कर पाएगा। अगर बिजनेस की ग्रोथ सफर होंगे तो जॉब सफर होंगे तो इंडायरेक्टली इकॉनमी को ही हर्ट करेगा 100%। तो CSR को क्या किया गया है कि जो पहले इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस में जो बजट था उसमें किया गया, तो उसको फिर से सिविल कैटेगरी में लाया गया। साथ के साथ एक जो मेजर इनकम टैक्स को लेके कल निर्मला सीतारमन जी ने बहुत इस मामले में, सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो इनकम टैक्स में कल जो गवर्नमेंट ने चेंजेस लेके आई है, क्योंकि आप टैक्स स्पेशलिस्ट हो इंडिया के जाने माने, तो आपको क्या लगता है कल जो डिसीजन लिए गए हैं उसके बारे में आप थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, कल जो कंपनी को जो कहा गया है कि इनकम टैक्स नोटिस को लेकर, मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं CCTV के जो अभी जो हमारा घटना हुआ है उसके प्रोस्पेक्ट में ही देखा जा रहा है, जो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात कही गई है कि जो अब नोटिसेस 1 अक्टूबर के बाद इशू होने वाले हैं उस पर एक तरह का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, यानी कि अगर कोई भी अथॉरिटी, अगर कोई समन या किसी तरह का ऑर्डर, नोटिस, कुछ भी लेटर इशू हो रहा है तो अब उसको ट्रैकिंग मैकेनिज्म में डाला जाएगा। और साथ के साथ एक और चीज़ें हैं कि अगर 1 अक्टूबर के बाद जो भी नोटिसेस दिए जाएंगे उनको 3 मंथ्स में कोशिश किया जा रहा है, टाइमलाइन दिया जा रहा है कि काम खत्म किया जाए। इससे क्या फायदा होगा, जो लिटिगेशंस है ना, अगर वो सेटल जल्दी होती है तो उसका बेनिफिट कॉर्पोरेट को है, और इसका इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो बहुत तरह की डिसीजन मेकिंग में भी इम्पैक्ट आएगा। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्टेप है। बट सर, इसका जो असर है वो आपको लगता है आम आदमी को भी आएगा या केवल बिजनेसमैन? नहीं, सबको आएगा। आपको 143(1) का नोटिस आपको भी आ सकता है, मुझे भी आ सकता है। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है और इसको बहुत वेलकम स्टेप की तरफ देखना चाहिए। मतलब कि जो टैक्स के लिए जो हमारे आम आदमी के अंदर डर था, कहीं ना कहीं इस स्टेप के बाद थोड़ा सा कम हो सकता है। देखिए, वो एक अलग मामला था, नोटिसेस एक अलग मामला है। नोटिसेस को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से समझिए कि आप अब आप कह सकते हैं कि इसकी लाइब्रेरी बन रही है कि अगर कोई भी बंदा किसी को नोटिस सर्व कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या था कि हो सकता है कि नोटिसेस इश्यू हो जाए, डिपार्टमेंट को ही ना पता चले, ये देखा गया है, ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सर, इसका मतलब ये सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा 100%। टैक्स कल्चर और अच्छा होगा 100%। मुझे लगता है कि अच्छा मतलब है कि दोस्तों,
बहुत ही पॉजिटिव गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है और इसका असर सर टैक्स की कलेक्शन पे भी दिखेगा। देखिए हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट पड़े कलेक्शन से, तो मतलब नहीं, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। yes. अगर उसको हम ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करेंगे तो जो प्रोसेस सिंप्लीफाई होगा तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कलेक्शन पे भी आएगा। इसके साथ के साथ एक और जो आप बताइए, जो अभी जो एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया गया था उसका स्टॉक मार्केट पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट आया था। तो पहले तो टेक्निकली क्या है कि उसको विड्रॉ कर लिया गया जो भी सरचार्ज लगाया गया, इसको मार्केट कैसे देखेगी? देखिए सर, इंडियन स्टॉक मार्केट में ना दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एक हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनकी दो कैटेगरीज ही है, इसमें कोई तीसरी, ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टर्स की हमने कैटेगरी बनाई हुई है। अभी तक क्या था कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, मोटा मोटी मान के चलिए जो हमारी GDP, जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक मार्केट की, उसमें 30% जो शेयर है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। अब जो इस बजट में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उनको एक तरीके से फोर्स किया कि मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर होता है उनका, दे डोंट फॉर्म अ कंपनी, दे जस्ट फॉर्म अ ट्रस्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल है, दो ग्लोबल एक्सेप्टेड, चाहे वो फ्रैंकलिन टेम्पलटन हो, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली, ऑल द बिग कॉन्ग्लोरोमेट्स जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना एक मेथड फॉलो करते हैं। अब दो उनको दो दिक्कतें आने लगी थी। पहला सरचार्ज का इशू क्या था? सरचार्ज मतलब कि गवर्नमेंट ने बोला अगर आपको एग्जिस्टिंग ही मैकेनिज्म में इन्वेस्ट करना है ट्रस्ट बना के, तो आपको एक एडिशनल सरचार्ज प्रॉफिट के ऊपर पे करना, जिसकी वजह से बहुत भारी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके मन में विड्रॉल की और एक टेंशन सी आने लगी। सर एक अच्छा डेटा देना चाहूँगा, जब से ये रूल आया पिछले महीने और इस महीने मिला के अप्रॉक्सीमेटली $3.5 billion की इक्विटीज बेच चुके हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँ, कल अगर आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्पीच देखी हो, स्पीच या जो भी आप उसको बोले, उन्होंने एक लास्ट में बोला कि हम सुपर रिच को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके वेल्थ क्रिएशन को रिस्पेक्ट करते हैं, एक वर्ड को बार बार रिपीट किया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का इंडिकेशन देना था कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, फैलाने की कोशिश नहीं है कोई ऐसा, हमारा इंटेंशन नहीं था कि गवर्नमेंट ने थोड़ा जल्दी में बना दिया हो, पर वो कहावत है ना सर कि देर है दुरुस्त है। अब गवर्नमेंट ने इमीडिएटली बहुत अच्छा चीजों को डिसीजन लिया है और इसका डेफिनेटली आम इन्वेस्टर्स की, आपके मेरे पोर्टफोलियो पे, आपके मेरे म्यूचुअल फंड और SIP और जो भी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं सबके ऊपर एक लॉन्ग टर्म में, एटलीस्ट मीडियम टर्म में तो एक आपको इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। इसके अलावा कल एक और अच्छी पहल की गई स्टार्टअप को लेकर। स्टार्टअप में क्या हुआ कि एक सेक्शन 56 है, 56(2) बात करता है प्रीमियम के बारे में। जब आप शेयर बेचते हैं उसके प्रीमियम को लेकर काफ़ी थे और उसको लेके बहुत तरह का एंजल टैक्स और बहुत तरह की बातें अभी चल रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं उससे बहुत परेशानी थी। और अगर बीच में ये याद करें तो गवर्नमेंट ने भी बोला था कि भी किसी तरह के फर्दर नोटिसेज और नहीं किया जाए उसको, लेकिन उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि जो 56(2) है अब वो अप्लीकेबल नहीं होगा स्टार्टअप पे, बसरते आप DPIIT जो डिपार्टमेंट है उससे आप रजिस्टर्ड होंगे। साथ के साथ इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी उन्होंने की है कि CBDT को भी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, CBDT को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप एक स्पेशल सेल बना दीजिए कि अगर स्टार्टअप की कोई प्रॉब्लम है तो आपको जितनी जल्दी हो उसको सॉर्ट आउट करें। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, ओला, उबर, जो भी इंडियन कंपनी, जो फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी जिन्होंने जितने बड़ी इंफ्रा खड़ा किया है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये भी एक स्टेप बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर पे, तो बैंकिंग और NBFC पे, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने कल जो 70,000 करोड़ रिलीज किया है एडिशनल लेंडिंग के लिए, आप ऑटो सेक्टर तो देख ही सकते हैं कि हालत हुई पड़ी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऑटो सेक्टर से ज़्यादा रिलेटेड है और रियल एस्टेट से, या ये ओवरऑल क्रंचेस की बात है? सर देखिए, ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आना एक साइक्लिकल प्रोसेस भी है और एक कहीं ना कहीं मंदी की तरफ इशारा भी है। अब ऑटो सेक्टर क्यों का स्लो डाउन की वजह से इतने सारे न्यूज़ चैनलों पर जो बुलेटिन चल रहे थे, कहीं ना कहीं उसको पूर्ण विराम मिलेगा। कारण क्या है कि लेंडिंग बढ़ेगी। आज के टाइम आपको भी पता होगा जो 90% या 95% सर जो इंडिया में व्हीकल्स खड़ी हैं रोड पे, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी या फिर बैंक या फिर NBFC या फिर किसी एक फाइनेंस कंपनी के द्वारा फाइनेंस्ड व्हीकल है। अगर उसकी सर फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ती है और टैक्सेशन भी हाई रहती है और उसके अगर, तो सर डेफिनेटली एक टाइम पे स्लो डाउन आ जाएगा। टचवुड अभी इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस बहुत कंट्रोल में है ड्यू टू द ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से, बट ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 70,000 करोड़, ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं जो PSBs हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसमें लेंडिंग जो बेसिकली क्या है सर कि जो पूरी मार्केट में कैश का जो ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली सर्कुलेट करने की, वो बेसिकली वो इसके थ्रू डेफिनेटली लुक इन होगा। टाइम जरूर लग सकता है,
बट आई थिंक एक पॉजिटिव डिसीजन, और कल रेट को भी कम करने की बात की, और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये बेनिफिट सारे बोरोअर को दिया जाए। यस यस, ये अभी तक क्या होता था, बैंक क्या करती थी कि पुराने बोरोअर को तो नहीं देती थी, नए को दे देती थी। yes, तो yes. कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह रही है कि सबको बेनिफिट, ट्रांसपेरेंसी और एक सिस्टम को लाइन पे लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक निगेटिव माहौल है। उसमें अगर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और बहुत अच्छी बात कल कही, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस अवेटेड है अगले वीक के लिए, डेफिनेटली हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट है हम इंडियन इन्वेस्टर्स में, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस दिन बजट आया था पिछले महीने जुलाई में, तो तब से लेके अभी तक अगर आज हम अगस्त के लास्ट वीक में बैठे हुए हैं, तो मतलब जो हमारी कैपिटल मार्केट है, विच इज द मदर ऑफ ऑल मार्केट, विच इज स्टॉक मार्केट, रफली 12-13% डाउन है, विच इज अ वेरी हाई नंबर। उस पर तो बात करेंगे, साथ के साथ रेट तो कम हो ही गए हमारे, उसके अलावा होम लोन और कार लोन के भी रेट की, डेफिनेटली सर अगर होम लोन सस्ता होगा, कार लोन सस्ता होगा, रियल एस्टेट की हालत खराब, ज्यादा बिकेगी घर, ज्यादा बिकेंगे, लेबर मिलेगा, लैंड। अक्कल उन्होंने बैंक को एक और इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी दी कि देखा जा रहा है कि जो स्पेशली पीएसबी बैंक हैं, लोन क्लोजर के बाद डॉक्यूमेंट देने में बड़े टाइम लेते हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं इससे परेशानी रहती है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक टाइमलाइन दे दिया। तो क्या लगता है कि ये भी एक सेंटीमेंट को बूस्ट करने की कोशिश, डेफिनेटली सर, क्योंकि 15 दिन में आपको पेपर वापस करने ही करना है आज के टाइम, डेफिनेटली सिबिल के थ्रू हम ये तो जरूर ट्रैक कर लेते हैं कि बंदे की सिबिल हिस्ट्री क्या है, बट उसको कई बार लोन लेने में बड़ी मुसीबतें होती हैं, क्योंकि उसकी जो पुरानी लोन होती है उसकी एनओसी नहीं आई होती, उसकी एनओसी लेने के चक्कर में कई जो सरकारी बैंक हैं उनके जो मुनाजिम हैं उनको बेइंतहा परेशानी है।